देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता, ठीक है। किसी का कोई, ये हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि उसने बड़े अरसे से ODI की क्रिकेट नहीं खेली या कुछ है, मेरे ख्याल है इमाद वसीम ने उससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं खेली क्रिकेट, क्योंकि जी आप, और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा या कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बात मैं आज आपको ये थोड़ी सी क्लियर करूँ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सी परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा, वो मेन होगी, ताकि जी हमारी क्रिकेट में लोग आके खेलें और वहाँ परफॉर्मेंस दें, ताकि हमारी भी फर्स्ट क्लास बेहतर हो, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा। और सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं, सरफराज के लिए भी ओपन है, काफ़ी लोग शान मसूद के लिए, ये सारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छे प्लेयर हैं, भाई एक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक पाकिस्तान से खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर हैं तो खेल रहे हैं, तो दरवाजे सारों के लिए बिल्कुल ओपन हैं, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा, सो इसमें कोई दो राय नहीं है। निज़ाम भाई, वर्ल्ड कप से पहले हमारे फास्ट बॉलर्स की अब नो डाउट के, लेकिन इतने बड़े इवेंट से पहले जो इंजरीज के मसाइल, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर हम कार्य कर, एक बात जहां और भी है कि एक तो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि जी ये प्लेयर्स की खुद डिसाइड करने की चीज़ है कि उसने वाइट बॉल से खेलना है या रेड बॉल से खेलना है। हो सकता है वो दोनों से खेलना चाहे, ये अप टू द प्लेयर है, क्योंकि जी ये प्लेयर का डिसीजन है, हम उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे क्योंकि वो लीग में किधर जाके खेल रहा है और कितनी लीग खेल रहा है और उस टाइम पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है, इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे। ये हमारा काम भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी राय है कि जिस तरह श्रीलंका में आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पिछले 2 से 2.5 महीने से मुसलसल टेस्ट मैचेस, फिर लीग, फिर वनडे सीरीज़, उसके बाद एशिया कप, एक ही जगह पे 4 से 5 महीने, 2.5 से 3 महीने वहाँ रहना, सो मेरे ख्याल में ये भी प्लेयर की जो सी फटीक है उस पर असरअंदाज हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर हमारे अंडर आती है और इस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन कौन प्लेयर रेड बॉल से खेलेगा या वाइट बॉल से खेलेगा ये प्लेयर्स का डिसीजन है, इसमें हमारा डिसीजन नहीं है। उनका नाम कंसीडरेशन में नहीं था, वो क्यों नहीं था, एक उसका बता दें। दूसरा ये बताया कि हसन अली की जो कंसीडरेशन आई कहाँ से आई, कप्तान ने की उनका नाम लिया या फिर मिकी आर्थर ने लिया या आपकी तरफ से आई या फिर क्रिकेट कमेटी? देखें, पहली बात आपको ये बताऊँ कि ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठती, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर आपको कर ले पहली बात, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी आपको इसको हसन पे पहले काफ़ी बता चुका हूँ कि जी उसको हमने किस लिए सिलेक्ट किया है, वो तो वैसे बात क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि शान की परफॉर्मेंस देना, जो इससे पहले जो 25 लड़के भेजते हैं हम, है ना, क्योंकि जी हम इसमें से ICC को वर्ल्ड कप के ना पहले एक महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शान का नाम भेजा था, और वो ऐसा नहीं है कि जी अगर 15 में नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो सारी जगह पे दी है, लेकिन जो इस टाइम ओपनर है हमारे, क्योंकि जी फ़खर की थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फ़खर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है या पिछले काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ खेल रहा है तो वो गेम चेंज कर सकता है, या इमाम है, या अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये अच्छे होना अच्छी बात है कि जी हमारे पास है ना इतने लोग हैं, ताकि इससे हमारी टीम की जो उनसे ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जो लड़के खेलेंगे ना उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा, तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ,
अगर कोई ये कहेगा जी वो बुरा था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो भी अच्छे हैं तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है।